और भाई क्या हाल है। तो ये है पोको एक्स 3 प्रो का लेटेस्ट एरो ओएस 13.1 अपडेट, जो कि मई 2023 के एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट के साथ हमें मिलता है। एंड सीरियसली मैं इस रोम को ऑलमोस्ट 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, स्टेबिलिटी, स्मूथनेस, गेमिंग, बैटरी, सभी टॉपिक्स के बारे में चलो इस वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर सकते हो। सेटिंग में चलते ही आपको अबाउट फोन पेज में देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट 13.1 अपडेट, जो कि पोको एक्स 3 प्रो के लिए आ चुका है। और यहां पे मई 5, 2023 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलेगा और एरो बेस्ड कर्नल है, जो कि मई 10 से अपडेटेड है। और बिल्ड डेट भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि मई 10 आपको मिलती है, यानी कि 2 दिन पहले आया था और 2 दिन पहले ही मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था। सबसे पहले स्टॉक कैमरा आपको यहां पर मिल जाता है जी कैम गो, जो कि लाइटर वर्जन है और यहां पर कोई स्नैपचैट की इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलती। बट आप LMC 8.4 R15 या फिर R16 वर्जन ट्राई कर सकते हो। यहां पर स्लो मोशन वीडियोज वगैरह वर्किंग है और बाकी सारे लेंजेस भी आपके वर्क करेंगे। अब अगर आप इसको स्मूथनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में आपको वैसे 120 हर्ट्ज वाली स्मूथनेस तो नहीं फील होती, बट यहां पे जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अच्छी है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा जर्कीनेस यहां पे फील हो सकता है। और सेम चीज मैं ऐप ओपनिंग के टाइम में आपको जो है बोल सकता हूं, फर्स्ट टाइम में आपको ये चीज नहीं फील होगी, जब आप सेकंड टाइम इसको ओपन करोगे ना, जो एनिमेशन होगा वो थोड़ा सा जर्कीनेस फील आपको करवाएगा। तो कुछ ऐसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, बट हाँ स्मूथनेस ओवरऑल अच्छी है, बट स्टिल 120 हर्ट्ज वाली आपको यहां पे नहीं फीलिंग आएगी। और जो रीसेंट्स है उसमें हैप्टिक्स आपके इनेबल रहेंगे और जो लॉन्चर है वो आपको पता है एरो बेस्ड लॉन्चर है, जो कि एरो लॉन्चर है और इसमें डबल टैप टू स्लीव वाले ऑप्शंस हैं। बाकी पैरेलल स्पेस का ऑप्शन आपको लॉन्चर सेटिंग में मिलेगा और GF बिल्ड में आपको यहां पर कुछ इस तरीके से जो है स्क्रोलिंग देखने को मिल जाती है और ये काफी स्मूथ है, इसमें कोई मेजर इश्यूज आपको नहीं आने वाले। बाकी वॉलपेपर एंड स्टाइल का जो लुक है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। डायरेक्टली ऐप ग्रिड्स आप चेंज कर सकते हो, जिसमें 6x6 तक ऑप्शंस आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। आइकॉन है, फॉन्ट्स हैं और शेप्स आप चेंज कर सकते हो, तो ये आपको कुछ फॉन्ट्स मिलेंगे एंड ये आप शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हो। वीडियो में मैं आपको फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हमने बात कर रखी है भाई इस चीज के बारे में, तो आप जो है प्रीवियस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, सारे के सारे चेंजेस आपको सही मिलेंगे। जस्ट हाँ, मैं आपको यहां पर जेस्चर्स की सेटिंग जरूर चेक करवाऊंगा। आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं और यहां पे आपको एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। 2 बटन स्टिल आपका मिसिंग है और जेस्चर बार हाइड अनहाइड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आप OTA अपडेट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो, वो भी आपको यहां पर जो है अपडेटर के थ्रू देखने को मिल जाएंगे। रोम के अंदर आपका जो डिवाइस है वो आपको यहां पर भी सर्टिफाइड मिलता है, वाइड वन L1 है। गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग रहेगी। ये रोम के अंदर मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है, जो कि आप मान सकते हो 4500 mAh के आसपास, तो मैक्सिमम यही रहेगी। और रोम को अगर आप नॉर्मली यूज करना चाहते हो तो आपका जो बैटरी कंजप्शन है वो अराउंड जाएगा 9 to 10% पर आर के आसपास। और जो आइडल रेन है वो आप चेक कर सकते हो, डीप स्लीप वगैरह वर्किंग है। सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ में सीपीयू आपका थ्रॉटल नहीं करता एंड ये आपको यहां पर जो है यहां पर स्कोर्स देखने को मिलेंगे Geekbench 6 के। बाकी अगर आप यहां पर N22 बेंचमार्क के स्कोर्स देखना चाहते हो तो 5,90,000 के आसपास और ये YLF टेस्ट के स्कोर्स हैं। गेमिंग आपको 60 FPS तक ही मिलेगी। मैक्सिमम जो टेम्परेचर आपका जाएगा वो 42-43 डिग्री के आसपास होगा एंड भाई कोई मेजर इश्यूज आपको नहीं आने वाले। 60 FPS की गेमिंग आपकी काफी स्मूथ है, बट एक जगह पे इशू है, लाइक मैंने तो भाई यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में ऑन कर रखा है, तो उस वजह से ना जब आप गाड़ी वगैरह चलाते हो BGMI के अंदर तब आपको थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स मिल जाते हैं। लाइक समटाइम्स जो FPS है वो 40 के आसपास आ जाता है, बट नॉर्मली अगर आप क्लोज रेंज वगैरह में येलो सर्कल में भी ट्राई करोगे ना तो कोई मेजर इशूज आपको नहीं आने वाले, वहां पर जो गेम प्ले है वो स्मूथ रहता है, क्योंकि ये BGMI का काफी ओल्ड अपडेट है, तो यहाँ पे भाई BGMI की ऑप्टिमाइजेशन भी मैटर करती है, तो उस वजह से थोड़े बग्स आपको BGMI के अंदर भी मिल जाएंगे। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप इस रोम को 60 FPS के परस्पेक्टिव से देखना चाहते हो ना तो रोम काफी स्मूथ है, गेमिंग आपको काफी अच्छी करवा देगी एंड बैटरी कंजप्शन वगैरह भी डिसेंट आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।